हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गेट वेल सून मैसेजेस, टेक केयर, जो जितने भी आपने कमेंट्स किए, जितने भी आपने विशेस किए, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, ठीक है। एंड हेयर आई एम बैक विद अ वीडियो। और आज हम शुरू करने वाले हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बहुत टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करा दो, समझ में नहीं आ रहा है स्कूल में, राइट? सो आज से हम अपना लास्ट जो हमारे चैप्टर्स बचे हैं, दो तीन बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो शुरू करने वाले हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं आपको बताऊँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा चैप्टर है, तो बेसिकली जो भी अभी तक आपने पढ़ा है ना, आप मान के चलो कि वो आपने प्रैक्टिस मैच खेले, जर्नल सीख लिया, लेजर सीख लिया, ट्रायल बैलेंस सीख लिया, रेक्टिफिकेशन सीख लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीख लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लाइक अ फाइनल मैच। जितने भी आपने अभी तक प्रैक्टिस करी है वो सब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए ना, तो आपका अकाउंटिंग पे जो एक पकड़ है, अकाउंटिंग का जो बेस है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अब मैं अकाउंटिंग अच्छे से कर सकता हूँ। तो बहुत ही ध्यान से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। आपको बस पूरी कंसंट्रेशन से जितनी भी वीडियोस इस चैप्टर्स की आएंगी, आपको पूरी वो देखनी है, डाउट मुझसे पूछने हैं, जितने भी डाउट्स हो क्लियर कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ना फर्स्ट चैप्टर पे लेके चलता हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एक बहुत छोटा सा टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, आपको याद है, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। हमने इतने, मतलब आई थिंक 7-8 महीने से हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और उस ऑब्जेक्टिव तक अभी तक हम पहुंचे ही नहीं थे कि भाई अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं। अकाउंटिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सके। तो इस चैप्टर में ये चैप्टर फाइनली उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाला है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम सीखेंगे कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। एक्साइटिंग ना, राइट? अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले आपने क्या प्रिपेयर किया था? ट्रायल बैलेंस। रिसेंटली आपने एक ट्रायल बैलेंस, एक स्टेटमेंट थी, वो प्रिपेयर किया था। कैसे प्रिपेयर किया था आपने? जितने भी आपके लेजर्स थे उन सब के बैलेंसेस आपने लिए, जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस थे, और वो सब के सब आपने एक स्टेटमेंट में डाल दिए। तो इन शॉर्ट सारे अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स आपने ओपन कर रहे हैं, उन सब के बैलेंसेस अब आपके पास है। अब इमेजिन करो कि आपके पास एक पेपर है, ठीक है। मान लो ये आपके पास एक पेपर है, ये पेपर आपके पास है, इस पूरे पेपर में जितने भी आपने अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं सबके बैलेंसेस लिखे हुए हैं। अब इन बैलेंसेस का करना क्या है, ठीक है, क्या करना है वो हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सबसे पहली बात, ठीक है, जितने भी आपने यहाँ पे बैलेंसेस लिखे हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, उन सारे बैलेंसेस को आप दो अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ट करोगे। मतलब दो अलग अलग अकाउंट्स और स्टेटमेंट में दो अलग अलग जगह पोस्ट करने वाले हो। इन शॉर्ट, जो आपने एक पेपर पे अकाउंट्स लिखे हुए हैं, मान लो आपने 20 टाइप ऑफ अकाउंट्स लिखे हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स में 20 हेडिंग आ रही है, उन 20 हेडिंग्स को अब आप दो जगहों में डिवाइड करोगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। वो कौन से दो पार्ट्स हैं? पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, पहले सुन लो बस, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? नाम से पता चल रहा है कि भाई जब मुझे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या प्रिपेयर करूंगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन शॉर्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बताएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताएगा कि भाई बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वर्ड आएगा तो आपको कौन सा अकाउंट इमेजिन करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको बोला कि भाई दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला मैंने आपको बताया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? नाम में लिखा हुआ है कि भाई देखो, आपके पास सारे अकाउंट्स थे, कुछ अकाउंट्स आपने डाल दिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब जो भी बैलेंसेस बचे हैं वो आप एक शीट में लिखोगे जिसका नाम है बैलेंस शीट। अब ये अकाउंट नहीं है, इट्स अ बैलेंस शीट, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जहां पे आप क्या करोगे, आपके जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं और जितने भी कैपिटल हैं, ये तीनों के बैलेंसेस आप बैलेंस शीट में लिखते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दो पार्ट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिवाइड कर दिया।
पहला पार्ट हमने बोला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम की स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, बैलेंस शीट, राइट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें ये दोनों पार्ट्स पढ़ने हैं। फटाफट से मैं आपको नोट से एक बार रीड कराता हूँ, नोट्स आपको एज यूजुअल मिल जाएंगे, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। मेन चीज क्या है कि भाई हम ये निकाल लें कि बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है और बिजनेस की पोजिशन कैसी है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव। फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट हेड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। सिंपल सी बात है कि जो भी आपने ट्रायल बैलेंस में लेजर के अकाउंट्स लिखे हैं, ठीक है, उसको मैं अब एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करूंगा दो पार्ट्स में। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट इट गिव्स अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजिशन ऑफ द बिजनेस। सिंपल सा मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलना चाहो या फिर उसका एक निकनेम है जिसको हम प्यार से बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जनरली जो भी हम ये अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी हम ये बैलेंस शीट बनाते हैं, हम एंड ऑफ द ईयर में बनाते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स टू स्टेटमेंट्स, पहला मैंने आपको बोला हुआ इनकम स्टेटमेंट या फिर जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यही तो चाहिए था, यस और नो? उसके बाद है पोजिशन स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट, विच शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आपको बहुत ध्यान से नोटिस करनी है, यहाँ मैंने लिखा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, है ना। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड मतलब जब आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हो तो वो आप एक साल का निकाल रहे हो कि इस साल मैंने कैसा परफॉर्म किया, आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, है ना। कि भाई मान लो जैसे 21-22 चल रहा है, तो 21-22 में आपने कैसा परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस अर्न किया, वो आप इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट करोगे। लेकिन जब मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ, किसके बाद बैलेंस शीट की, तो वो बताती है कि इस डेट पे, इस टाइम पे आपके कितने कितने बैलेंसेस हैं एसेट्स के, लाइबिलिटीज के या कैपिटल के। तो वो एक पीरियड के लिए नहीं बनती है, आपने जब से बिजनेस शुरू किया था, जब से बिजनेस शुरू किया था तब से लेके अब तक, जिस दिन पे आप बैलेंस शीट बना रहे हो तब से लेके तब तक का वो पूरा टाइम पीरियड का आपको बैलेंस देती है कि भाई अब टोटल आपके पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटी, इतने कैपिटल। तो इन शॉर्ट वो एक साल का नहीं है, वो एक टाइम पीरियड का है, उस टाइम पीरियड पे आपके पास कितने बैलेंसेस हैं। समझ में आ गया, इजी सी बात थी, इजी सा पॉइंट था। विच शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मान लो मैं 31 मार्च 2022 को अगर बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो 31 मार्च 2022 को आपके पास कितने एसेट, कितनी लाइबिलिटी, कितने कैपिटल है, वो बैलेंस शीट बताती है। सिंपल सी बात है। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था आपने, कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स क्या हैं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा। पहला यूजर हमारा क्या है, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चाहिए भाई, ये कैसा सवाल है। मैनेजमेंट मतलब जो आपके ऊपर मैनेजर्स होते हैं, जो बेसिकली आपके कंपनी के, आपके बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं, है ना। तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेंगे, क्या यूज करेंगे। तो पहला वो ये देखेंगे कि भाई आपका बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है, हाँ या ना, आपके पास पैसा है या नहीं है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, मान लो आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, अगर लॉस में चल रहा है तो कुछ वो चेंजेस करेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे, हो सकता है वो सेलिंग प्राइस को कम कर दे, कॉस्ट को मुझे कम करना पड़ेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो मैनेजमेंट लेती है, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। दूसरा है ओनर, मालिक, क्या कर रहे हो भाई, वो देखेगा कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आप ओनर हो, आपको मतलब किस चीज़ से है, आपको मतलब इस चीज़ से कि भाई अगर मैंने 1,00,000 रुपये बिजनेस में लगाए हैं तो उस 1,00,000 रुपये पे मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा, कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये सब चीज़ें आप जानना चाहोगे। उसके बाद थर्ड है क्रेडिटर्स, जो उधार देंगे आपको, राइट। अब क्रेडिटर्स क्या देखते हैं कि अगर मैं इसको उधार दे रहा हूं तो क्या ये मुझे पैसे वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट वर्दिनेस। क्या बोलते हैं, क्रेडिट वर्दिनेस, कि बिजनेस की क्रेडिट वर्दिनेस है या नहीं है, पैसे वापस देगा या नहीं देगा। तो ये सब चीजें वो देखेगा कि भाई अगर बिजनेस लॉस में है तो वो पैसा आपको उधार पे क्यों देगा,
अगर लॉस में चल रहा है तो प्रॉफिट में चल रहा है तो दे देगा, एसेट है अच्छी बात है, लायबिलिटी नहीं है, तो ये सब चीज़ें वो देखेगा। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वही सेम चीज़ें कि भाई बैंक आपसे क्या मांगता है कि पहले दिखाओ आपकी बैलेंस शीट क्या है, आपकी इनकम स्टेटमेंट दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ, ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे वो मांगता है। अगर आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूसली लॉस में चल रहा है तो आपको बैंक लोन नहीं देगा, अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो वो देखेगा कि भाई ये कितने साल तक मेरा लोन रीपे कर सकता है, कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, पूरे पैसे वापस देगा नहीं देगा, वो सब चीज़ें बैंक को देखनी होती है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। अगर मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप क्या देखोगे, क्या ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है? अगर प्रॉफिट में चल रही है तो हाँ, फिर मेरे को ये अच्छी सैलरी दे सकती है। अगर मान लो आप उस कंपनी पर ऑलरेडी एम्प्लॉई हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखनी है? मुझे बोनस कितना मिलेगा? कंपनी अगर लॉस में चल रही है, लो भाई कंपनी लॉस में चल रही है, मुझे बोनस मिलेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है। बहुत सारे और यूजर्स होते हैं, ठीक है, एक बार बुक से रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, वही पुरानी बातें जो आप पहले पढ़ चुके हो। अब आते हैं नीचे एक बार, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, नोट्स में आपको पढ़ाऊंगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अब आप अगेन इमेजिन करना, आपको आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है, आपके पास एक ट्रायल बैलेंस, मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ, देखो। ओके, सो ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, ठीक है। अब इस ट्रायल बैलेंस में क्या है, आपने जितने भी लेजर्स बनाए होंगे, जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए होंगे, उन सब के जो बैलेंसेज आए होंगे, क्लोजिंग बैलेंस, वो सब आपने यहाँ पे लिख दिए। तो अभी तो ये सारे अकाउंट्स हम साथ साथ हैं खेल रहे हैं कि भाई हम तो साथ साथ हैं, लेकिन अब इनके रास्ते अलग होने वाले हैं। अब ये कुछ अकाउंट्स एक जगह जाएंगे और कुछ अकाउंट्स एक जगह जाएंगे, तो बात ये है कि इनका बंटवारा करे कैसे, इनको अलग कैसे करे, कोई तो एक बेसिस चाहिए। वो बेसिस क्या है, आपको डिसाइड करना होगा कौन से अकाउंट्स आपके रेवेन्यू नेचर के हैं और कौन से अकाउंट्स आपके कैपिटल नेचर के हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू नेचर के हैं और कैपिटल नेचर के हैं, ये आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था कि रेवेन्यू क्या, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स कौन से होते हैं और कैपिटल नेचर के कौन से होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और आप भूल चुके होंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं सिंपल से वर्ड में आपको बताऊं रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का मतलब क्या है, रेवेन्यू नेचर मतलब उसी साल में वो अकाउंट का जो भी बेनिफिट वगैरह था या जो भी था उसी साल से बिलोंग करता है, वो अगले साल में जा ही नहीं रहा, मतलब उसी साल का अकाउंट इज कॉल्ड रेवेन्यू अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी खर्चा करते हो, ठीक है, अगर वो एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस सिर्फ उसी साल का है, उसी साल में आपने खर्चा किया और उसी साल में वो खत्म हो गया, उसका बेनिफिट आपने ले लिया, वो रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन जैसे मशीन है, आपने मशीन ली, ठीक है, लेकिन मशीन क्या उसी साल में खत्म हो जाती है? नहीं, मशीन तो आगे चलती रहेगी, तो वो कैपिटल नेचर का है। ये मैंने आपको वैसी ओवरव्यू दिया है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम्स को अलग अलग करना है। रेवेन्यू नेचर के जो भी आइटम्स होंगे वो आप कहाँ डालोगे, वो आप डालोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने आपके लिए एक सुंदर सा डायग्राम बनाया हुआ है ईजी करने के लिए। तो देखो क्या करना है आपको, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड All the account heads are transferred either to the trading and profit and loss account or to the balance sheet. तो दो रास्ते अब आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर आप revenue वाले हो तो भाग जाओ फटाफट से trading वाले रास्ते पे, profit and loss account वाले रास्ते पे। लेकिन अगर आप capital वाले हो तो फिर आपको कहाँ भागना है, balance sheet वाले रास्ते पे। ये बात समझ में आती है। All the revenue nature item are transferred to the trading and profit and loss account and all the capital nature item are transferred to the balance sheet. तो सबसे पहले important क्या है कि भाई जो आपके पास trial balance आपने बनाया, एक एक account को ध्यान से देख के आपको ये identify करना होगा कि ये revenue nature का है या ये capital nature का है। एक बार आपने उसको identify कर लिया, बस फिर तो आपके अकाउंट्स बन जाएंगे, यस और नो। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर रेवेन्यू नेचर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले खर्चों के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आओ फटाफट से सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता था भाई। एक्सपेंडिचर का मतलब आप क्या बोलोगे, सर खर्चा, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब कोई भी आप एक्सपेंडिचर करते हो वो क्यों करते हो, मान लेते आप आज मूवी देखने गए हो, ठीक है, आप मूवी देखने गए, आपने वहां पे मान लो 200-300 रुपए दे दिए, ठीक है। क्यों दिए, क्योंकि आपको मूवी देखनी थी। क्यों आपने वो 200-300 रुपए दिए, ताकि आपको वो बेनिफिट मिल सके। आप कोई भी खर्चा करते हो, क्यों करते हो, ताकि उससे आपको जो बेनिफिट मिलना है वो मिल सके।
आप ऐसे ही तो कोई खर्चा नहीं करते ना। अगर मान लो आपने मोबाइल फ़ोन लिया, क्यों? क्योंकि भाई अब आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने को मिलेगा, उसका बेनिफिट वही है, राइट? आपने लैपटॉप लिया है, आपने माइक लिया है, कुछ भी लिया है, क्यों लिया है? आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। आप मूवी देखने गए हो, क्यों गए हो? बेनिफिट मिलेगा। कोई गेम खेलने गए हो, क्यों गए हो? बेनिफिट मिलेगा। बात समझ रहे हो? रजिस्टर लिया है, पेन लिया है, नोटबुक लिया है, खर्चा किया है, क्योंकि उस खर्चे के अगेंस्ट में आपको क्या मिलता है? एक बेनिफिट मिलता है। ये बात तो क्लियर है, ठीक है? अब मेन बात वो है कि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो आपको फायदा हो रहा है, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, वो शॉर्ट पीरियड का है, छोटे टाइम पीरियड के लिए, या लॉन्ग पीरियड के लिए। जैसे मान लो आप मूवी देखने जब गए थे, तो जो आपने वो 200 रुपये दिए, सिर्फ 2-2.5-3 घंटे के थे। जैसे ही 2-2.5-3 घंटे हुए, मूवी खत्म, बेनिफिट खत्म, शॉर्ट पीरियड का बेनिफिट। तो जो आपने एक्सपेंडिचर किया, उससे जो आपको बेनिफिट मिला, वो शॉर्ट पीरियड का था। लेकिन मान लो आपने कोई स्कूटी ली है, कोई एक्टिवा ली है, बाइक ली है, ठीक है? अब आपने जो खर्चा किया है, उससे आपको बेनिफिट क्या एक ही साल मिलेगा? वो अलग बात है कि आप एक साल में तोड़ फोड़ दो, वो अलग बात है, लेकिन क्या एक ही साल मिलेगा? नहीं, आप 2-3-4 साल उसको चलाओगे ना भाई, 5 साल तक चलाते हैं लोग, उससे भी ज़्यादा चलाते हैं। तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है? एक साल से ज़्यादा मिल रहा है। तो बिजनेस ने उस टाइम पीरियड को कैसे डिवाइड किया? अगर आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, अगर बिजनेस ने जो भी खर्चा किया हो, उस खर्चे को करने से जो बेनिफिट मिल रहा है, वो अगर एक साल का है, एक साल के अंदर अंदर खत्म हो रहा है, विद इन 12 मंथ्स अगर वो खत्म हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आती है? लेकिन अगर जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, वो आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मान लो आपने मोबाइल फोन लिया है ना, आपने मोबाइल लिया है, क्या आप एक साल में उसका बेनिफिट खत्म कर दोगे? नहीं ना भाई, 2-3 साल तो चलाओगे ना। अब बच्चे बोलेंगे, नहीं सर, हर साल नया फोन लेते हैं हम, वो अलग बात है। लेकिन एक मोबाइल फोन से आपको बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। आप कोई भी व्हीकल लेते हो, मिलता है। आपके घर में टीवी आया है, तो ऐसा तो नहीं है हर साल नया टीवी ले रहे हो, नहीं ना। तो टीवी का जो बेनिफिट है, वो एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। क्या ये बात समझ में आती है? सिमिलरली फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये टैबलेट लिया है, लैपटॉप लिया है, माइक लिया है, तो ये सब क्या है? ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इनसे जो मुझे बेनिफिट मिलेगा, वो एक साल के लिए ज़्यादा मिलेगा, एक साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। ये बात समझ में आती है, ठीक है? तो मेन डिफरेंशिएशन आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है? बेनिफिट। अगर आपको बेनिफिट जो मिल रहा है वो विद इन 12 मंथ्स खत्म, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बेनिफिट एक साल के ज़्यादा के लिए मिल रहा है, एक साल से ज़्यादा का बेनिफिट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात समझ में आती है? अगर मैं बिजनेस टर्म्स की बात करता हूँ, जैसे मान लो बिजनेस ने रेंट पे किया, 1 महीने का रेंट, 1 महीने का बेनिफिट मिलेगा, हाँ या ना? मान लो अगर मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मैं रेंट पे हूँ, तो मैं जब 1 महीने का रेंट दूंगा, तो मुझे 1 महीने के लिए वो यहाँ पे काम करने देंगे, तो बेनिफिट एक ही महीने का है। अगले महीने कहेंगे रेंट दे दो वापस से, हाँ या ना? तो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रिकरिंग, ठीक है? लेकिन मान लो कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ऑफिस है, ये मैंने लिया, मैंने बनवाया, है ना, अब जो मैंने खर्चा किया इसको बनवाने पे, लेने पे, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि अब ये मेरा है, इसका बेनिफिट मुझे बहुत सालों के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक साल के लिए बनवाया है मैंने। तो सिमिलरली जब बिजनेसेस कोई लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं, जैसे मेरा प्लांट एंड मशीनरी क्या है? मेरी मशीन, मेरे लैपटॉप है, ये सुनो। तो ये लैपटॉप जो है, ये मेरा चलेगा 3-4-5 साल, मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आती है, ठीक है? फटाफट से आते हैं। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना। देखो, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड टू रिसीव सम बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस। ऑफ कोर्स, अगर बिजनेस कोई खर्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? बेनिफिट मिलने वाला है। नाउ द बेनिफिट्स कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बिल्कुल सही, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। सो इफ द बेनिफिट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर इज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अगर एक अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, अगर इससे ज्यादा का बेनिफिट आपको मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? आपको मैंने नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, फटाफट से मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भाई पहला है मेन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस का होता है, इज फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लांट एंड मशीनरी लेनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ या ना? तो ये जो सारे आपके एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इनसे आपको जो बेनिफिट मिलता है, वो एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। इसीलिए हम फिक्स्ड एसेट्स को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्यों? क्योंकि कैपिटल नेचर का आइटम कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद देखो एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड अप टू द पॉइंट एन एसेट इज पुट टू यूज। अब ये जो पॉइंट है, उसको ध्यान से समझो। मान लो, ठीक है, मैं आपको आपकी टर्म्स में समझाता हूँ।
मान लो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा लैपटॉप चाहिए, गेमिंग लैपटॉप चाहिए, है ना भाई, गेम पबजी खेलनी है उसमें, फ्री फायर खेलनी है, अब आपको उस पर गेम खेलनी है, और वो लैपटॉप जो है आप चाहते हो कि यूएसए से आए, बाहर से आए, यूके से आए, क्यों, बाहर सस्ता है ना भाई, यहाँ पे महंगा है, होता है आपके कोई रिलेटिव वगैरह वहाँ पे रहते हैं, तो आपने उनको फ़ोन किया कि भाई लैपटॉप भेज दो ना वहाँ से, जो लैपटॉप यहाँ पे मान लो 80,000 का है, वहाँ पे आपको मिल रहा है 50,000 का, तो आपने कहा वहाँ से भेज दो, तो 50,000 का लैपटॉप था, लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब आप बाहर से लैपटॉप मंगवा रहे हो, और भी तो कितने चार्जेस लगेंगे, शिपिंग कॉस्ट लगती है, फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी वगैरह भी होती है, बहुत सारी चीज़ें, राइट, मान लो वहाँ से यूएस से यहाँ तक लाने में आपको एक्सपेंडिचर लग गया 10,000 रुपये, हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मान लो कितना लग गया, 10,000 रुपये, तो एक बात बताओ, ये 10,000 का जो आपने एक्सपेंडिचर किया, जो खर्चा किया, क्यों किया, लैपटॉप को परचेज करने के लिए ना, लैपटॉप के लिए किया है ना, ऐसे तो नहीं किया, तो अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो फिक्स्ड एसेट के परचेज के टाइम पे, तो जब तक वो फिक्स्ड एसेट आप यूज करने के लिए तैयार नहीं हो, जब तक आपने उस फिक्स्ड एसेट को यूज नहीं किया, तब तक उस पे जितने भी खर्चे आप करते हो, आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया है, कोई इंस्टॉलेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में एसी लगा हो, ठीक है, अब एसी लगा है, अब एसी आ गया मान लो 30,000 का, लेकिन 30,000 का एसी आया तो भाई आप खुद तो नहीं लगाते ना, इंस्टॉलेशन के लिए भी आप 1,000-1,500 रुपये देते हो, 500 रुपये देते हो, जो भी है, तो जो भी आप इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये सारे एक्सपेंडिचर आप उस फिक्स्ड एसेट में ही ऐड करते हो, तो लैपटॉप की कॉस्ट 50,000 नहीं है दोस्तों, लैपटॉप की कॉस्ट 60,000 है, 50,000 का लैपटॉप था, 10,000 आने में लगवा दिए, वहां से यहां तक मंगवाने में लगा दिए, तो लैपटॉप कितने का हो गया, 60,000 का, तो 10,000 आप मानोगे वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानोगे, बात समझ में, अब पढ़ते हैं, देखो, एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड अप टू द पॉइंट एंड एसेट इज पुट टू यूज, जब तक आप वो एसेट को यूज करने के लिए तैयार नहीं हो, इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ एनी मशीनरी है, वेज इज पेड टू वर्कर्स फॉर इंस्टॉलिंग एनी प्लांट एंड मशीनरी, है ना, जैसे आपने एसी के लिए किसी भैया को बुलाया, उन भैया ने इंस्टॉल किया, उन भैया को आपने 500 रुपये दिए, तो वो वेजेस हैं, वो वेजेस भी आप एसी के कॉस्ट में ही ऐड करोगे, ठीक है, उसके बाद कार्टेज आपने पे करी, ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज कैसे, जैसे मान लो आप घर वर लेते हो, तो जो आपके रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, है ना, अब आपको नहीं पता कहाँ कहाँ घर अवेलेबल है, तो आप क्या करते हो, किसी रियल एस्टेट एजेंट को फ़ोन करते हो कि मुझे यहाँ पे घर चाहिए, तो उनके पास सारा डेटा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी ब्रोकरेज लेते हैं, एक तरह की कमीशन होती है, ठीक है, तो वो कमीशन आप क्यों पे कर रहे हो, वो कमीशन आप इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि आपको घर चाहिए, ऐसे ही बिजनेस को अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए होती है, कोई ऑफिस के लिए जगह चाहिए, तो अगर उस टाइम उन्होंने किसी को ब्रोकरेज पे करी है, ब्रोकर को कमीशन पे करी है, वो उस एसेट में ही ऐड हो जाएगी, राइट, उसके बाद जैसे मान लो अगर आप कुछ बिल्डिंग वगैरह परचेज करते हो ना, तो कुछ लीगल काम भी होता है, जिसको आप अगर आपने सुना हो तो रजिस्ट्री वगैरह करनी होती है कि भाई अपने नाम पे तो कर लूँ, है ना, अपने नाम पे करवाने के लिए आपको कुछ लीगल एक्सपेंडिचर भी करना होता है, वो भी आप उसी में ऐड करोगे, राइट, देखो, ब्रोकरेज पेड टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो, ठीक है, इसको समझाता हूँ मैं पहले, अब मान लो जैसे कि अब आपने कोई घर लेना है, लोग है ना भाई आगे जाके, आपको कोई घर लेना है, अब घर लेने के लिए थोड़ा बहुत लोन तो लेना पड़ता है, तो आपने लोन लिया, आप कह रहे हो कि मैं अपना अपने तरीके से घर बनवाऊंगा, ठीक है भाई, आपने आज घर बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया, आपने लोन लिया, तो जब तक वो घर बन के तैयार नहीं होता, आपने लोन तो ले लिया ना, अब लोन ले लिया तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जब तक आपका घर बिल्कुल बनकर तैयार नहीं होता, जब तक आप उसमें रहने के लिए तैयार नहीं होते, उस दिन तक जितना भी इंटरेस्ट आपने बैंक को पे किया है, वो भी आपके घर में ही ऐड होगा, आपके घर के कॉस्ट में ही ऐड होगा, क्यों, क्योंकि भाई लोन लिया क्यों था, घर बनवाने के लिए ना, यस और नो, तो जो भी आपका लोन का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो सब आप किस में ऐड कर दोगे, वो सब आप घर की कॉस्ट में ही ऐड कर दोगे, जैसे ही घर बन के तैयार हो गया, मान लो उसके बाद भी लोन चल रहा है, तो उसके बाद जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, वो आप घर की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, जब तक घर बन के तैयार हुआ, तब तक ही आपको जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है, उतना आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हो, क्या आपको बात समझ में आती है, देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू एक्वायर द फिक्स्ड एसेट टिल द डेट एसेट इज पुट टू यूज, जिस दिन तक आपने उस एसेट को यूज नहीं किया, यूज करने के लिए जैसे रेडी नहीं है वो, ठीक है, अभी तक घर आपका रेडी नहीं है, ठीक है, तो जिस दिन आपका घर रेडी हो गया,
उस दिन के बाद तो आप उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, लेकिन उस दिन तक जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया वो ऐड करोगे। एक पॉइंट था जो आपके बुक में दे रखा था, तो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट। अब मान लो कि भाई आगे जाके आपकी शादी भी तो होगी, है ना, तो अब शादी वादी होगी तो मान लो आप चाहते हो कि यार मैं अपने लिए अपने घर पे एक सेपरेट फ्लोर बनाऊं, है ना, कि भाई एक आराम से एक फ्लोर मैं अपने घर पे और ऐड कर दूं। तो अभी आपका घर है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक फ्लोर और ऐड कर रहे हो। इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्सटेंशन करवाना, अपने घर का एक्सटेंशन करवाना, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ऑफिस में भी हो सकता है। मान लो अभी मेरे पास एक ऑफिस है, राइट, अगर मुझे इसको एक्सटेंड कराना है तो या तो मैं एक और रूम बनवाऊंगा या कुछ भी करूंगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंशन। मेरा ये फिक्स्ड एसेट है, ये जो मेरी बिल्डिंग है या जो मेरा रूम है, ये मेरा फिक्स्ड एसेट है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक और रूम दूंगा या इसको थोड़ा एक्सटेंड करवाऊंगा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो भी मेरा क्या माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। आप बिल्डिंग का रेनोवेशन कर रहे हो, तोड़ फोड़ करके कुछ नया बना रहे हो, ठीक है। इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल। अब ऐसा होता है ना कि भाई मान लो आपने एक सिनेमा हॉल ओपन किया, अभी वहां पे सिर्फ 50 लोग बैठ सकते हैं। आपने देखा कि भाई लोग तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन मेरे पास बिठाने की जगह नहीं है, तो आपने उसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई, पीछे वाली दीवार तोड़ी, ठीक है, पीछे वाली दीवार तोड़ के आपने और चेयर्स लगवाई, तो वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस और एक्वायरिंग द राइट टू डू द बिजनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपको पता कि भाई जैसे, मतलब गलत मत समझना, जैसे अल्कोहल और वाइन शॉप्स होती है ना, अल्कोहल और वाइन शॉप्स होती है, तो आपने देखा होगा कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हर दुकान पे अल्कोहल बिक रही है। एक पर्टिकुलर जगह है अल्कोहल एंड वाइन शॉप, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल वहीं पे सेल होती है। जहां पे आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हो वहां पे अल्कोहल क्यों नहीं मिलती, सोचा है कभी आपने? क्यों? क्योंकि भाई अल्कोहल या फिर वाइन बेचने के लिए जो भी ये चीजें होती है, इसको बेचने के लिए आपको एक प्रॉपर लाइसेंस चाहिए। अल्कोहल लाइसेंस होता है, ठीक है, वाइन लाइसेंस चाहिए होता है कि भाई अगर आपको वो शॉप रन करनी है तो आपको पहले वो लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा। तो जो आप लाइसेंस ये एक्वायर कर रहे हो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, आप ये लाइसेंस का जो एक्सपेंडिचर आएगा, आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है। तो वो लाइसेंस को एक्वायर करने के लिए आपने क्या किया है, कुछ पेमेंट करी है, कुछ खर्चा किया है, वो भी क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली बात है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना होता है कि आप क्या करते हो, बाहर से कहीं से सामान मंगवाते हो या बाहर सामान बेचते हो, बहुत सारे ऐसे बिजनेस चलते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कि कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर लाइसेंस चाहिए, आपको एक लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो मान लो कि वन टाइम लाइसेंस है, वन टाइम पेमेंट है, है ना, जैसे कि जैसे वाइन और अल्कोहल का मान लो आपकी वन टाइम लाइसेंस है, फिर तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए वो लाइसेंस की पेमेंट करनी पड़ी या कुछ भी। लेकिन मान लो वो लाइसेंस सिर्फ एक साल का है, ऐसा होता है कि हर साल आपको लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ेगा हर साल, ठीक है, कि भाई अगर आपको अगले साल भी बिजनेस करना है तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे भी कुछ लाइसेंस होते हैं, राइट। अगर वन टाइम पेमेंट है कि एक ही बार आपको लाइसेंस का पैसा देना है और मान लो 5 साल के लिए छुट्टी, 5 साल तक आप बिजनेस कर सकते हो, तो फिर तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन मान लो आपको हर साल उसको रिन्यू कराना है, तो जो आप वो हर साल पेमेंट कर रहे हो तो फिर तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आप लाइसेंस की पेमेंट कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको सिर्फ एक साल के लिए मिल रहा है, है ना। तो अगर एक साल के लिए मिल रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपने कोई लाइसेंस की पेमेंट करी है, किसी भी चीज की पेमेंट करी है, अगर आपको उसका मान लो कि वन टाइम पेमेंट थी, उस लाइसेंस के अगेंस्ट में आपको 2-3-5 साल तक आराम से बिजनेस करने की परमिशन है, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या आप बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया क्योंकि बहुत डिटेल में समझना जरूरी था। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझना है और मैं बहुत डिटेल में समझा के चलूंगा। तो अगर वीडियोस बड़ी हो जाए तो प्लीज मत बोलना, और वीडियोस जितनी भी बढ़िया है आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई ये। अगर आपको चैप्टर आ गया तो 12th बहुत आसान हो जाएगी, ये चैप्टर में गड़बड़ी कर दे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी सी बड़ी वीडियोस आएंगी, थोड़ा मैनेज करना यार, ठीक है। सेकंड हमारा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको ऑलरेडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई वो खर्चा जिसके अगेंस्ट में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, एक साल के अंदर उड़न छू खत्म, है ना। बिजनेस रेंट पे करता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो भाई, वो 2 महीने का बिल आता है, 2 महीने के लिए मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, बिल पे करना पड़ेगा, बिल नहीं पे करोगे तो बेनिफिट खत्म। जैसे आपका मोबाइल का रिचार्ज है
है ना, आपका मोबाइल का रिचार्ज है मान लो आपने 3 महीने का इकट्ठा कराया, तो भाई 3 महीने ही मिलेगा उसका बेनिफिट, 84 डेज आई थिंक उसका 84 डेज का जो रिचार्ज होता है, 84 डेज के लिए मिलेगा ना, उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं है, दोबारा पेमेंट करो। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो जैसे मेरा बिजनेस है, ठीक है, जैसे मेरा वाईफाई का खर्चा है, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है या रेंट का खर्चा है, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग बेसिस पे होते हैं। रिकरिंग मतलब जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है, ऐसा नहीं कि मैं 2-3 साल में एक बार खर्चा कर रहा हूँ, नहीं, रेगुलर एक्सपेंडिचर है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, उसी अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट खत्म। एग्जाम्पल मैंने आपको लिख रखे हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डे टू डे ऑपरेशन, जो आपके रेगुलर ऑपरेशन होते हैं, जैसे मान लो आपने एक बिजनेस ओपन किया, याद है ना, बिजनेस भूल तो नहीं गए, एक बिजनेस हमने ओपन किया था CCW, कि भाई चाय बेचनी है हमें, ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि भाई चाय बेचने का बिजनेस शुरू किया। अब जो भी आपका उस नॉर्मल ऑपरेशन जो आपके होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो कैसे कैसे खर्चे हो सकते हैं, कि भाई जो भी चाय बनाने में मटेरियल लगता है, चाय पत्ती हो गई, दूध हो गया, चीनी हो गई, ये जो भी खर्चे हैं, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद जैसे सैलरीज पे करनी है आपको एम्प्लॉय को, अगर आप एम्प्लॉय को 1 महीने की सैलरी पे करते हो, तो एम्प्लॉय 1 ही महीना काम करता है, ये नहीं कि एक बार पेमेंट करी और एम्प्लॉय पूरी जिंदगी आपके लिए काम कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो चाय बनाने का जो भी खर्चा हुआ है, गैस का खर्चा होगा, जो भी खर्चे हैं आपके क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब मान लो कि आपने जो बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट परचेज किया था ना, जैसे लेट से आपने लैपटॉप परचेज किया था, AC परचेज किया था, मोबाइल फोन परचेज किया था, अब जब आपने उसको परचेज किया वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब मान लो 2-3 महीने बाद थोड़ा मोबाइल खराब हो गया, पानी चला गया, कुछ भी हो गया, तो नॉर्मल आपने रिपेयर कराया है ना, उसको रिपेयर कराने का जो आपने खर्चा किया, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके लिए, राइट। बिजनेस का अगर हम मान के चलें कि जैसे बिजनेस ने कोई मशीनरी ली है, अब मशीनरी ऐसा तो नहीं है कि भाई चलती रहेगी, उसको भी मेंटेनेंस चाहिए, रिपेयर का खर्चा होता है, थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है, ये सुनो, आपका नॉर्मल डे टू डे का खर्चा है, ऐसा नहीं है कि आप सालों में एक बार करा रहे हो और छुट्टी, नहीं, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल क्या है, आपका रॉ मटेरियल दूध, चीनी, चाय पत्ती, वो सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो, आपने एक फिक्स्ड एसेट परचेज किया, ठीक है, आपने मान लो लैपटॉप, मैंने जैसे मेरे लिए फिक्स्ड एसेट क्या है, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है मेरा लैपटॉप। अब मैंने लैपटॉप जब परचेज किया, लेट से ये लैपटॉप है कितने का, 60,000 रुपीज़ का। अब 60,000 का लैपटॉप है, मैंने इसको क्या बोला कि भाई ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये कम से कम मैं 5 साल तो चलाऊंगा, ठीक है, मान के चलते हैं। अब होगा क्या 60,000 पूरा का पूरा मैं डाल दूं बैलेंस शीट में, ऐसा नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इसको मैं यूज़ तो कर रहा हूँ। अब होता ये है कि जितना मैंने इस अकाउंटिंग पीरियड में इसको यूज़ किया, इन शॉर्ट जो मैंने 12 महीने में इसका बेनिफिट लिया, वो तो मेरा एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो 12 महीने में आपने जो बेनिफिट कंज्यूम किया है उसका खर्चा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैंने लैपटॉप लिया है 5 साल के लिए, अब 1 साल अगर मैंने इसको यूज़ कर लिया, तो इसका 1 साल का बेनिफिट तो मेरा खत्म हो गया, यस और नो? तो मैं डेप्रिसिएशन पढ़कर आया हूं अभी, तो आप डेप्रिसिएशन टर्म 1 में, राइट। तो हम क्या करते हैं, 60,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब लैपटॉप जो है मैंने 12,000 रुपये का तो यूज़ कर ही लिया है, इससे मैंने 12,000 का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, तो वो 12,000 मेरा क्या है, डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाकी जो 48,000 है वो अभी भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट अभी मैंने कंज्यूम थोड़ी किया है, बाद में करूंगा, जब कर लूंगा तो रेवेन्यू मान लूंगा, अभी तो कैपिटल है, इसलिए बैलेंस शीट में। समझ में आ गया बात, राइट। तो ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको लिख के दिया है, फटाफट से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है। देखो, सबसे पहले पर्पस, कि भाई कैपिटल और रेवेन्यू क्यों कर रहे हो, सबसे पहले है इसका, इट इज इंकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। नॉर्मली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो आपका फिक्स्ड एसेट का खर्चा होता है, और ये है डे टू डे ऑपरेशंस का। अब सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कि देखो मान लो अभी मेरे पास, जैसे मैं आप मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरे पास थोड़ा सा स्लो लैपटॉप है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने एक बढ़िया DSLR ले लिया, मस्त कैमरा ले लिया, ठीक है, लैपटॉप ले लिया फास्ट, जिससे मैं अब दिन में ज़्यादा वीडियोस बना सकता हूँ, है ना। तो अब क्या होगा, जब मैं दिन में ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगा, ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊँगा, ज़्यादा क्लासेस ले पाऊँगा, मान लो कि अभी मेरे पास जो रूम है उसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, अब मैंने वो रूम को बड़ा कर दिया, अगर मैंने वो रूम को बड़ा किया तो अब 40 स्टूडेंट्स आ सकते हैं,
तो मैं क्या करूंगा, अब मेरी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना। जैसे मान लो आपने चाय का बिजनेस शुरू किया, अभी आपके पास एक ही शॉप है, लेकिन आपने क्या किया, एक और शॉप ले ली, उसको और बड़ा किया, तो आपकी भी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वो एक्सपेंडिचर जिससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मैंने नया कैमरा लिया, नया लैपटॉप लिया, या इसको बड़ा किया, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो मैं नॉर्मल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, जैसे हर महीने का वाईफाई का बिल हो गया, ठीक है, हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हर महीने का रेंट हो गया, क्यों? क्योंकि जितना मैं अभी अर्न कर रहा हूँ उसको मेंटेन करने के लिए। तो जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो मेरी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है कि जितना मैं अभी कमा रहा हूँ उतना कमाता रहूँ। यस और नो? ठीक है, देखो, इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, और इट इज इंकर्ड फॉर मेंटेनिंग। जितना आप कमा रहे हो उतना कमाना है अगर आपको, तो भाई जो खर्चा आपका चल रहा है उसको चलाते रहो, जो रेंट आप पे कर रहे हो उसको करते रहो, वाईफाई का बिल पे करते रहो। यस और नो? अब थर्ड है पीरियड। पीरियड तो सिंपल है ना भाई, पीरियड का मतलब क्या हुआ कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो आपको बेनिफिट मिलता है वो एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। वो आपका पीरियड क्या है, एक साल से ज़्यादा, रेवेन्यू का उसी साल में ख़त्म। देखो, बेनिफिट्स एक्सटेंड टू मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, और ये है एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग ईयर, उसी साल में ख़त्म। उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अभी हमने देखा कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हम क्या करते हैं, उसके एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैपटॉप परचेज किया तो लैपटॉप अकाउंट, यस और नो? कैमरा परचेज किया, कैमरा अकाउंट, कोई मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी अकाउंट। लेकिन जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने क्या किया है, मैंने रेंट पे किया, तो वो मेरा रेंट एक्सपेंस है, वो मैं एक्सपेंस मान के चलता हूँ, वो मेरा एक्सपेंस अकाउंट है। वाईफाई का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ अकाउंट। अब नेचर ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने लिखा रियल अकाउंट, क्यों? आपने पढ़ा हुआ है कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, या कुछ भी हो गया, वो सब क्या है, रियल अकाउंट। लेकिन ऑफकोर्स कुछ एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोटा मोटा जो हमारे एसेट्स होते हैं, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो रियल अकाउंट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ही क्या था, जो हमारे खर्चे होते हैं, जो हमारी इनकम होती है, एक्सपेंस लॉसेज इनकम गेंस, नॉमिनल अकाउंट में। प्रेजेंटेशन मतलब कि भाई इसको कहाँ शो करोगे, तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो जाता है सीधा बैलेंस शीट में। कौन सा रास्ता पकड़ा, बैलेंस शीट वाला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला, दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, बताओ मुझे जल्दी से। सबसे पहला है ₹10,000 स्पेंट ऑन रिपेयर्स बिफोर यूजिंग अ सेकेंड हैंड कार परचेज। अब ध्यान से सोचो, आपको मेनली क्लासीफाई कैसे करना है कि भाई आपने जो खर्चा किया, खर्चा तो रिपेयर का है, आपका जो आंखें हैं वो सबसे पहले कहाँ गई होंगी, रिपेयर्स पे, कि भाई रिपेयर है, तो रिपेयर तो रेवेन्यू पढ़ाया अभी सर ने, सुनो अभी। रिपेयर्स बिफोर यूजिंग अ सेकेंड हैंड कार परचेज, आपने कोई कार परचेज करी है, अब बेशक वो सेकेंड हैंड कार हो, थर्ड कार हो, फोर्थ हैंड हो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके लिए तो वो नहीं है ना, ठीक है, आपने वो कार परचेज करी। ऑफकोर्स अगर आपने कुछ कार परचेज करी, आपको कुछ रिपेयर करना पड़ा, मुझे एक बात बताओ, वो रिपेयर क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, ताकि आप उस कार को यूज कर सको। एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड टिल द डेट या टिल द पॉइंट द एसेट इज पुट टू यूज, पढ़ा था कि जब तक वो एसेट आप यूज करने के लिए तैयार नहीं हो, जब आप यूज कर लोगे उसके बाद जो रिपेयर का एक्सपेंडिचर होगा वो रेवेन्यू है। लेकिन अभी आपने एक कार परचेज करी, उसको यूज करने के लिए, ताकि आप उसको यूज कर सको, जो भी एक्सपेंडिचर आप करोगे, वो रिपेयर हो, कुछ भी हो, पेंट वेंट जो भी होगा, वाइट वॉश कुछ भी कराओ, ठीक है, वो सारा का सारा कार के ही अकाउंट में ऐड होगा, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों, सिंस द एक्सपेंसेस आर इंकर्ड बिफोर द कार इज पुट टू यूज। तो सो किसी भी एसेट पे अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो बिफोर इट इज पुट टू यूज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 10,000 स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ वेरियस मशीन्स। अब सिंपली क्या लिखा हुआ है कि आपने मशीन्स का रिपेयर पे किया, ऐसा लिखा है क्या कि अभी आपने उसको यूज नहीं किया है, अभी अभी नया परचेज किया, नहीं, तो ये क्या है, ये रेवेन्यू है, सिंस इट इज अ रूटीन रिपेयर, ठीक है। थर्ड देखो, सम ऑफ 5,000 स्पेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग द न्यू फैक्ट्री। अगर आपने एक नई फैक्ट्री ली है, मुबारक हो, नई फैक्ट्री ली है आपने, ठीक है, वाइट वॉश कराया उसका या कुछ भी पेंट वेंट कराया, अगेन क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब तक वो फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं होता,
रेडी टू यूज नहीं होती तब तक आप कुछ भी कराओ भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी की जगह आप क्या लिख दो, मोबाइल। मोबाइल इंपोर्ट किया था ना आपने, तो वहां पे जो कस्टम ड्यूटी आप पे करते हो, कस्टम ड्यूटी मतलब जब आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो तो वो जो पोर्ट बने होते हैं वहां पे आपको अपना सामान लेने के लिए ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जिसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। क्यों की है कस्टम ड्यूटी? क्योंकि भाई आपने नई मशीनरी मंगवाई है। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आता है? उसके बाद हमारा फिफ्थ है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ लैंड। मैंने आपको समझाया था कि भाई कोई भी लैंड बिल्डिंग लेते हो तो उसकी वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो सब लीगल एक्सपेंडिचर होता है। क्या है? अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। नई चीज खरीदी है, उस पर कोई भी खर्चा उसके अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 10,000 वर स्पेंट ऑन लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ स्यू क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री बिलोंग टू द प्लांटिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो प्लेंटिव लिखा है, ठीक है, ये प्लेंटिव, प्लेंटिव का मतलब है जो दूसरा बंदा जिसने आपके अगेंस्ट में केस किया। मान लो आपका कोई दोस्त है, वो चला गया कोर्ट में कि भाई ऐसा है, इसका जो घर है ना वो मेरा है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई ये जो घर है मेरे पास, उसने कोई डॉक्यूमेंट बनवा लिया फर्जी वर्जी, जो सब कुछ कर लिया, सब कुछ करवा लिया, और वो कह रहा है ये घर जिसमें रह रहा है वो मेरा है, इसको खाली करवाओ। ऐसे बिजनेस के अगेंस्ट में आ गया कोई केस कि भाई जो फैक्ट्री है आपकी वो फैक्ट्री मेरे नाम पे है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप एक लॉयर हायर करोगे, ऑफ कोर्स, ठीक है, केस को डिफेंड करने के लिए। तो वो लिखा हुआ है 10,000 वर स्पेंट ऑन लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ स्यू, स्यू मतलब केस, ठीक है, डिफेंड अ स्यू क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री बिलोंग टू द प्लेंटिव। तो दूसरे वाले बंदे ने कोई केस किया है, उसको आप डिफेंड कर रहे हो कि नहीं, जिस फैक्ट्री पे अभी हम काम कर रहे हैं वो हमारी है। मुझे एक बात बताओ कि भाई आपकी फैक्ट्री ऑलरेडी आपके पास थी, आप उसको डिफेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डिफेंड कर रहे हो। मुझे बताओ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ऑफ कोर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आपने कोई एसेट नया परचेज किया है क्या? नहीं। कोई भी बंदा आएगा और बोलेगा कि भाई ये फैक्ट्री मेरी है, अब अगर आपने उसके लिए कुछ खर्चा कर दिया लॉयर वगैरह के लिए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसा तो नहीं हो रहा क्या आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है? नहीं, वो चीज ऑलरेडी आपके पास है, आप तो सिर्फ डिफेंड कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिंस फीस इज पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ एन एसेट नॉट टू एक्वायर द एसेट। आप उसको डिफेंड कर रहे हो कि ये एसेट मेरा ही है, आपने कोई नया एसेट थोड़ी एक्वायर किया है। बात समझ में आती है? सेवंथ देखो, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 25,000। अब यहाँ पे ना दो चीजें, एक तो 20,000 जो आपको रिसीव हुआ है उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, 25,000 का नुकसान हुआ था, 20,000 मिल गए, तो यहाँ पे आपको जो 5,000 का नुकसान हुआ है, 5,000 रुपीज का जो आपको लॉस हुआ है, वो एक तरीके से क्या मानते हैं हम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मानते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो आपका 5,000 का, देखो 25,000 का नुकसान हुआ, 20,000 तो मिल गए, तो एक्चुअली में लॉस कितने का हो? 5,000 का, वो आपका क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा कुछ है ही नहीं, लॉस बाय फायर जो होता है आपका वो नॉर्मल आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। बात समझ में आती है? क्लियर है। उसके बाद एक और एक्सपेंडिचर आता है जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेकार का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से, आपने पढ़ा होगा। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मिक्सचर है, मतलब एक क्वालिटी तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली है, कुछ क्वालिटी इसमें रेवेन्यू वाली है। जैसे मेन एग्जांपल आपको पता ही है, जो हम क्लासिक एग्जांपल लेते हैं इसका, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपने कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया। अब एडवर्टीजमेंट क्या होता है? आपका रेगुलर एक्सपेंडिचर है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि सालों में कभी कराओगे, नहीं है ना, क्या करते आते हो? एडवर्टीजमेंट कराते रहते हो, ठीक है, हर साल आपने करा ली। लेकिन मान लो आपने कोई ऐसा मार्केटिंग, ऐसा एडवर्टीजमेंट कराया जिसमें आपने ले लिया किसी हीरो को ले लिया, है ना, कोई ऐसा हीरो ले लिया, बहुत सारा पैसा लग गया, सब कुछ लग गया, अच्छा ठीक है, अब बहुत सारा पैसा लग गया, तो आपको क्या लगता है कि जो आपने ये एडवर्टीजमेंट करा है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट है तो रेगुलर, लेकिन जो आपने इस बार ये 5,00,000 रुपये दे दिए हैं इस हीरो को, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इस हीरो को जो आपने 5,00,000 रुपये दे दिए हैं, इससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो एक साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। तो वो आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि वैसे है तो रेगुलर खर्चा लेकिन बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है, तो वो आपने क्या बोला? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, पढ़ो। देयर आर सम एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब रेगुलर होते हैं, बट देयर बेनिफिट एक्सटेंड्स बियॉन्ड वन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, विच मीन्स देयर कॉम्बिनेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल। एग्जाम्पल ऑफकोर्स मैंने आपको समझाया हुआ, देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 120 ऑन न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, आपने बढ़िया उस पर एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू लास्ट अराउंड 5 साल। ओहो, आपको लगता है कम से कम 5 साल तक लोग यही एडवर्टीजमेंट देख देख के मेरा प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, ठीक है,
सो द एंटायर अमाउंट ऑफ 120 इज नॉट डेबिटेड टू पीएनएल। सिंपल वर्ड्स में कि आप एक ही साल में 120,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब बेनिफिट आपको 5 साल के लिए मिल रहा है तो खर्चा भी तो एक्सपेंडिचर भी तो 5 साल में डिवाइड करोगे, 120 पांच साल, तो हर साल क्या करते हो आप 24,000 का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हो। सिंपल सी बात है। द होल एक्सपेंडिचर इज स्प्रेड ओवर 5 years, विच मीन्स 24,000 विल बी रिकॉर्डेड इन द पीएनएल अकाउंट इन द फर्स्ट ईयर, और जो बाकी रिमेनिंग 96 बच गया, 120 था, 24 तो आपने इस साल रिकॉर्ड कर दिया, जो 96 बच गया वो रास्ता कौन सा अपनाएंगे? कैपिटल वाला। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, एक साल का एक्सपेंडिचर आपने रिकॉर्ड कर दिया 24,000, ऐसे हर साल 24,000 रिकॉर्ड करते रहोगे और बाकी जितना बचता रहेगा वो बैलेंस शीट में दिखेगा किसके नाम से? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। ठीक है, रिकॉर्ड ऑन दी एसेट साइड पे। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ काम का भी नहीं है वैसे आजकल, ये प्रैक्टिकली आजकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपकी बुक में दे रखा है तो समझा दिया मैंने, और पहले भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, राइट। तो आज हमने डिस्कस कर लिया एक्सपेंडिचर। आई नो मैंने बहुत टाइम लिया है, मुझे पता था ये वीडियो लंबी जाने वाली है, लेकिन समझाना ज़रूरी था डिटेल में, आपका समझना भी ज़रूरी है डिटेल में, राइट। एक एक पॉइंट इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया कि थोड़ा बेस अगर स्ट्रांग बन जाए तो बिल्डिंग तो हम खड़ी कर ही देंगे। ठीक है, आई होप आपको एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है पता ही है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, तो तीनों चीज़ें कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दोस्त दुआएं देंगे आपको कि क्या वीडियो शेयर करी आपने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।